मेरा नाम इकबाल अहमद अंसारी है और मैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी मुझ पर है कि कोरोना जिसकी उम्र तकरीबन एक साल हो चुकी है और दरमियान में इसका ग्राफ कम हुआ था लेकिन अभी और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेरे दोस्तों, हमने बहुत सारे लोगों को खोया है, आइंदा हमको ये गलती नहीं करना है, इससे बचना है। इसके लिए कुछ हिदायत दी गई और हमारा आपस में मशवरा हुआ। मैं खास तौर से हमारे शहर औरंगाबाद के या आपकी टीवी चैनल के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, क्योंकि बीमारी पर्टिकुलर औरंगाबाद में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी फैली हुई है, जहां तक मेरी आवाज आपके माध्यम से पहुंच रही है, मैं उन सभी नौजवानों से खास तौर पर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो रात का जागना बंद करें, मास्क अपने चेहरों पर लाजमी तौर पर लगाएं, डिस्टेंस मेंटेन करें, बाजारों में गर्दी ना करें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सरकारी तौर से जो हिदायतें आएगी हम खास तौर पर उसकी पाबंदी करें और हमारे मसाजिद के अइम्मा हजरात और उलमा हजरात जो मेरी आवाज सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा अपनी मस्जिद के माइक से बाकायदा ऐलान करें कि हमारे बच्चे गैर जरूरी सड़कों पर ना आए, रात में ज्यादा देर तक ना बैठें, वरना पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस सिलसिले में एक चीज और सामने आई है कि कोरोना का लसीकरण चल रहा है, एक तो प्राइवेट है जिसका 250 रुपया आपको अदा करना है, सरकारी तौर से भी बाकायदा प्रशासन ने जगह जगह इसका इस्तेमाल किया है। इसमें किसी तरह का कोई खौफ ना करें, किसी तरह का डर अपने दिल के अंदर महसूस ना करें, और जो लोग बदगुमानियां और गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि इसके लेने से ऐसा हो रहा, उसके लेने से वैसा हो रहा है, आप इन अफवाहों पर ध्यान न दें, आगे बढ़ के बाकायदा इन दवाओं का इस्तेमाल करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमाए। नमस्कार, मी शंतनु चौधरी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ जिल्हा औरंगाबाद उपाध्यक्ष। आपली जी टॅगलाईन आहे सरकारची, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, आता ही टॅगलाईन घेऊनच आपण कुटुंबाची तर काळजी घ्यायचीच आहे करोनासाठी, पण मला वाटतं की हीच योग्य वेळ आलेली की सर्व सामाजिक संस्था आज नुसत्या औरंगाबादमध्ये कमीत कमी 5000च्या वर समाजसेवी संस्था असतील, ही योग्य वेळ आहे। जसं मागच्या करोनाच्या वेळेस वर्षापूर्वी आपण सर्व गरजूंना मदत केली, गरिबांना मदत केली, बऱ्याच जणांनी किट दिल्या, किराणा किट किंवा अनेक माध्यमातून मदत केली, तसं आता खरी मदतीची गरज आलेली आहे। बाकी सगळे नियम सर्वांना माहितीच आहे, पण मी तुम्हाला सांगेल विशेषत्वाने गर्दीच्या ठिकाणी जायचं टाळा। काय होतं आहे की आता करोनाचं लसीकरण सुरू झालं की हे तिथं भल्या मोठ्या रांगा आहेत, किंवा करोना लॉकडाऊनची बातमी आली की लगेच किराणा दुकानात रांगा, असं करू नका। करोना लसीकरण प्रत्येकाचं होणारच आहे, आज न उद्या होणार आहे, थोडा वेळ लागेल, तर गर्दीच्या ठिकाणी जायचं टाळा। बाकी सर्व नियम सगळ्यांना माहितीच आहे। तर मित्रांनो, कृपया कुटुंबाची काळजी घ्या, स्वतःची घ्या, परिणे समाजाची घ्या, धन्यवाद। माय मोसी नेमत, माजी नगरसेवक, अध्यक्ष जनजागरण समिति महाराष्ट्र। औरंगाबाद शहर में जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, इस ताल्लुक से मीटिंग में गौर किया गया है। हम तमाम जिम्मेदार औरंगाबाद की अपनी जिम्मेदारी है कि अपन शख्सी तौर पर जो है अपने मोहल्ले में अपने अफराद खानदान और शहर के अंदर, ये शहर हमारा है, और इस शहर को किस तरह से इस बीमारी से महफूज रखना, किस तरह से तंदुरुस्त रहना और एहतियात करना, इसके बारे में हम लोगों को लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिए। गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है, समय समय पे उन्होंने जो बताए हैं उस पर हमको अमल करना है। हम आपको बताते हैं कि आज सरकार ने इसकी इतनी स्कीम निकाली है और मुफ्त में निकाली है, मास्क दे रहे हैं, मुफ्त के अंदर जो है आपको वैक्सीन दे रहे हैं, सरकारी दवाखाने जितने शहर में हैं वो मुफ्त में है, जिसकी उम्र 46 साल से आगे ज्यादा है, अभी उसको नया इन्होंने लाए हैं कि 46 साल के ऊपर जो लोग हैं वो मुफ्त में सरकारी दवाखाने में जाके ले सकते हैं वैक्सीन। प्राइवेट दवाखानों में भी इसका नज़्म है, अगर आपको खांसी जुकाम होने लगे तो फौरी डॉक्टर से रुजू हो जाइए आप, और एहतियात करिए, बाहर की कोई चीज़ों को जो है आप वो मत करिए, अपने महल्ले में गली के अंदर जो नौजवान हैं अतराफ में रहने वालों को समय समय पर बताइए आप,
समय समय पे ये सारी चीजों को समझाइए, खुद भी एहतियात रखिए और लोगों को भी एहतियात के बारे में बताइए। डर खौफ का माहौल निकाल दीजिए, डर खौफ से काम नहीं चलेगा, एहतियात से काम चलेगा। जिस तरह से हमारे साथियों में क्या है, गलियों में फिर के बोलने का है, चौरस्ते में बोलने का है, रात को नौजवानों को जो है इस तारीख से बताना है, वो हम सारी सारा काम इंशाल्लाह ताला करेंगे और इस औरंगाबाद शहर को हम इस जो चल रही है बीमारी से उसको नजात देने के अंदर तन मन धन से हम साथ देंगे। नमस्कार, मी नरेश जोशी, देशस्थ ऋग्वेदी मंडळ औरंगाबाद विभाग। आता बऱ्याच जणांनी स्वतः पुढाकार घेऊन समाज प्रबोधन करावं, बऱ्याच ठिकाणी जिथे गर्दी होती त्या गर्दीच्या ठिकाणी बऱ्याच जे प्रमुख आहेत, जे समजा धार्मिक धर्मप्रमुख जे पण आहेत, तर त्यांनी अशा ठिकाणी जाऊन जिथे गर्दी होती तशा ठिकाणी जाऊन समाज प्रबोधन करावं की त्यांना तिथं जाऊन सांगावं की गर्दी करू नका, त्याशिवाय लोकांना अशा गोष्टी कळणार नाहीत। आणि प्रशासनाला माझी एक नम्रतेची विनंती आहे की त्यांनी जसं रॅपिड टेस्ट अशा बऱ्याच ठिकाणी केलेल्या आहेत, जसं काही मेन मेन ठिकाणीच, तर त्या रॅपिड टेस्ट ज्यांनी ते करतात त्या वाढवाव्यात। आणि जसे आता त्यांनी नोटीस काढलेली आहे बऱ्याच ठिकाणी जिथं व्यावसायिक संस्थानं जे आहेत तिथं त्यांनी नोटीस बजावलेली आहे, अशा ठिकाणी पुन्हा पुन्हा नोटीस बजावून आणि तिथं तपासणी करून, जसे हॉटेल असतील किंवा मॉल्स असतील तशा ठिकाणी तपासणी करून की जसा एखादा काम करणारा वेटर आहे त्या वेटरपाशी जाऊन त्याची तपासणी करणे, चेक करणे आणि जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये हे वाढवावं की त्याच्यामुळे कोरोनाच्या टेस्ट वाढतील आणि त्याच्यामध्ये कोरोना डिटेक्ट जास्त होतील आणि त्याच्यावरती आपल्याला कंट्रोल करता येईल। तसंच सर्व यांना समाजाला सांगायची माझी ही विनंती आहे अजून की त्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये मास्क वापरावा, सॅनिटायझर वापरावा आणि सोशल डिस्टन्सिंग पाळा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद एजाज अली जैदी है, मैं ऑल इंडिया शिया प्रार्थना बोर्ड का मेंबर हूँ और अंजुमन खादिमुल मासूमीन मराठवाड़े का अध्यक्ष हूँ। मेरी पूरे आवाम से गुजारिश है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में चलिए, हमारे मस्जिदें बचाना है, हमारे नमाजें चालू रखना है, हमारे को रमजानों में जो है हमारी इबादत करना है, तो अभी से अपन कंट्रोल करें तो इंशाल्लाह आगे भी जो है तकलीफ नहीं होंगी। अगर अभी यहाँ पे जो है तो गवर्नमेंट जो बता रही कि वैक्सीन जो तो उसको लीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं है। मेरी खुद की बेटी ने ली हो, मेरी बेटी डॉक्टर है, उन्हें ली, उसको कुछ नहीं हुआ, दो वो ले ली, दो इंजेक्शन ले ली, क्या दो रत जो भी दो, और इंशाल्लाह हम भी लेंगे। हम मैं लिखा दिया हूँ नंबर एमजीएम में मेरा। जय हरी, मी संस्थान एकनाथ मंदिर औरंगपुर औरंगाबाद येथून श्री व्यवस्थापक सोमनाथ शेलार बोलतो। आज सभा कलेक्टर साहेबांनी इथं बोलवलं होतं, सर्व मंदिराच्या विश्वस्तांना बोलवलं होतं व कोरोनाचा कुठे प्रभाव होऊ नये व कसा त्याचा निपटाव करावा यासाठी बोलवलं होतं आणि आपण किती सहकार्य करावं यासाठी आम्हाला सरांना बोलवलं होतं। त्यासाठी आम्ही योग्य ती मदत करण्यास तयार झालो व आम्ही त्यांनी जे सांगितले नियम आहे ते नियम आम्ही पाळण्यास तयार आहोत व आपण बी सर्व जनतेनी आपले कुटुंब आपली जबाबदारी सर सांभाळावी व आजूबाजूच्या लोकांना सुद्धा सगळे मार्गदर्शन करावे व कलेक्टर साहेबांनी जे जे सूचना केलेले आतापर्यंत त्या पूर्ण पाळावे व एवढे बोलून मी माझे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।